तो हरिओम हरिओम चिंता न करा, मुख्य जगह बात के रखो। जब पूछ लेता है इस प्रकार से रावण, क्या क्या पूछता है तनी चित्त के स्थिर रख के समझो कि रे बानर तू कौन है, किसके बल पर तूने जो है वन को उजाड़ डाला, क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना, रे सठ, सठ माने दुष्ट, मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूं। अब देखो हुआ बाने तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, और मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का डर नहीं है। इतना बात देखा जाए बड़ी बढ़िया व्यवस्था बा, यही में श्री राम जी के जो वास्तविक स्वरूप बा ओकर निरूपण मात्र तीन लाइन में हो जाए। तो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बले बिरचित माया, अजा के बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, अजा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरी कानन। इतनी बात है, कहते रे हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती, जिनके बल से, माया का उसमें कोई बल नहीं है, जिनके बल से ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी, जिनके बल से क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से, इनके अंदर भी अपना बल ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक व्यवस्था हुआ। कहे कि हर जगह जौन चेतना हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, वो खाली प्रभु राम जी का हो, वही से जितना भी व्यवस्था चलाता वही से चलाता। और जिनके बल से हजार मुंह वाले शेष जी धरती को पर्वत और वनों सहित सिर पर धारण करते हैं, और धरई जो विविध देह सुर त्राता, और तुमसे सठन सीखावनु दाता, हर को दंड कठिन जेही भंजा, तेही समेत नृप दल मद गंजा, अखर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। कहते हैं जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए, राक्षसों के लिए नहीं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, हनुमान जी रावण को क्या कर रहे हैं, मूर्ख कि मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तुम हो, यह कहते हैं। देखिए कितना जो है जवाब कितना आराम से दे रहे हैं कि जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शंकर जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला,
उसी के साथ राजाओं का समूह का जो गर्व है वह चूर्ण हो गया। अब जो तुम्हारे पास कोई यश होगा नहीं है, नहीं है। और कहते हैं कि जाके बल लव ले सते जीते हूँ चरा चर झारी तासुदूत मैं जाकरी हरियाने हूँ प्रिय नारी। कहते हैं जिनके लेस मात्र बल से, जिनके यही लोग नहीं तुम्हारे अंदर भी जिनका लेस मात्र बल है उससे तुमने समस्त चराचर जगत को ही जीत लिया। उनके लेस मात्र के बल से तुमने सभी चर और अचर पर विजय प्राप्त कर लिया। और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो मैं उन्हीं का दूत। ठीक। और कहते हैं कि क्या समझ रखा है, मैंने सुना ना ये तुम्हारी प्रवक्ता सुना है। तुम इस जो है भुलावे में मत रहो कि मैंने सुना। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई असहस बाहु सन परी लराई असमर बाली सन करी जसु पावा असुनी कपि बचन भी हसी बिहरावा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता खूब जानता हूँ, सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। ठीक ना। हाँ, तो सहस्र बाहु जो है ले जाके बांध दिया था रावण को। हाँ, सहस्र बाहु बांध दिया था रावण से बलवान था, समझो। अब वो खाली बता रहे, ये सब नहीं बता रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ। अब ऐसा कोनो बात जहाँ पर तू है हरावा है तो ओकर संकेत देवे से समझ लीजिए कि काका भलो है। और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था, राजा बाली से वही सुग्रीव का भाई जो काख में दबाए रहा, हाँ यही तुमको यश प्राप्त है वो भी जानता हूँ। तो हनुमान जी के इस रहस्य बाड़ी बाड़ी को सुनकर रावण हंस करके बात को टाल दिया। एकदम सही पकड़ता है। और यहाँ तक तो बताया, और प्रश्न पूछा है ना कि तुमने किस अपराध से राक्षसों को मारा है, तो वो क्या देखा जवाब देते हैं कि खायऊं फल प्रभु लागी भूखा अकपि सुभावते तोरे रूखा। कहता है राक्षसों के स्वामी, प्रभु बने सीधे होके प्रभु नहीं कहते हैं, हे राक्षसों के स्वामी भूख लगी थी फल खाए और इसे मेरी गलती नहीं है, मेरा बानर का स्वभाव है इसलिए वृक्षों को तोड़े। इसे मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव का है ना जी। और सबके देह परम प्रिय स्वामी अमार ही मोही कुमार गामी। और हे निशाचरों के राजा यानी मालिक, शरीर सबको परम प्रिय होता है मुझे ही नहीं, और कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस मुझे मारने लगे। ठीक ना। तो जिन्हें मोही मारा ते मैं मारे अत ही पर बाधे उतनय तुम्हारे। मैंने सिर्फ उनको मारा जिन्होंने मुझे मारा, उस पर से तुम्हारा बेटा मुझे बांध दिया है, दोष मेरा नहीं इसका है, क्योंकि जिन्होंने मुझे मारा उसी को मैंने मारा। ठीक ना। और उस पर से तुम्हारा यह बेटा मुझे बांध के लाया तो इसका दोष है, दंड इसको मिलना चाहिए।
तू मोहिन कछु बाधे कैला जा किन चाहू निजे प्रभु कर काजा। और ये मत समझो कि मुझे कोई शर्म है, कहते ना कि तुम बहुत निडर हो, तो बता रहे हैं कि मुझे बधवाने का कोई लाज क्यों, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता। तो जब निष्काम सेवक बनेंगे तो वहाँ लाज शर्म का जगह कोई मान करे अपमान करे कुछ भी लेना देना। तो बिनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन, देखहु तुम्हें निजे कुल ही बिचारी, भ्रमत जी भजऊ भगत भय हारी। और हनुमान जी कहते हैं देखिए, जब हित किसी का करना हो तो उसे विनम्र भाव से समझा देना चाहिए। और जब ना माने तो जब क्या करेंगे। तो कहते हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। हनुमान जी इतना तक किए, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, भ्रम छोड़कर भक्तों के भय को हरण करने वाले श्री राम जी का भजन करो, क्योंकि वो भक्तों का भय दूर कर देते हैं। ठीक है। तो जाके डर अति काल डराई, सो सुर असुर सचरा चर खाई, अतासो बयरुक बहु नहीं की जय, मोर कहे जानकी दीजे। कहते हनुमान जी की जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, ठीक ना, आप अपने शरीर में रामनाथ भैया पूरा एकदम देव रूपी अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य सत्य कितनो रखवे, लेकिन काल तो एक दिन होके खा जाई ने, यही ने। तो देवता राक्षस सहित सभी चर अचर को जो खा जाता है वह काल भी जिनसे डरता है, क्योंकि राम जी वो तो जो है कि संतत है, शाश्वत व्यवस्था है, जिनसे अत्यंत डरता है उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस दे दो। यह सिखावन देते हैं श्री हनुमान। तो प्रणत पाल रघुनायक, अकरुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तो वह अपराध दिसारी। हर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। तो खर का हो जाने, खर माने की है लालच से लेके कपट ठगी जितना बा, लालच काम क्रोध घमंड जलन ममता, ये सब खर है भैया, रामनाथ भैया, यह सब खर है। तो ये सब खर के वह जी सकला जे भगवान का सेवा को, या तब स्वामी जी सकल नहीं आता उनका सेवा, बाकी बीच वाला जे रही जेकरे कि आई तीनों इशड़ा जो उन्हों रही वो एकरे ऊपर कभी विजय न पाई। जब लालच रही धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा के, तो काम रही और काम न हुई तो गुस्सा रही, और काम हुई तो घमंड हुई, काम होया के बाद जोन वस्तु मिली उसे ममता लगी, फिर मोह बढ़ी, फिर ओके बचाव बदे पावे बदे कपट दम पाखंड झूठ धोखा, यह सब भैया। तो कहते हैं कि श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं।
और शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। वो साफ साफ बता रहे हैं हनुमान जी कि अगर तुम शरण में चले जाते हो तो प्रभु जो है तुमको अपने शरण में रख लेंगे। ठीक ना, इतने बड़े दया के समुन्दर है, अगर कोनो अभिमानी के सामने ऐसा बात कर रहे तो उसके अंदर उसका अभिमान और बढ़े। हूँ जी। और इतना नहीं, कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूं अलंका अचल राजू तुम करहू। कहते तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज करो, तुमको कोई समस्या नहीं है। वो सही, आप लोग शरीर में भगवान के चरण के धारण करके जितना सेवा देता है कुल भगवान का सेवा हो, चाहे वो गैया के चरी काटता है चंपू चलावता है, वो कुल का हो भगवान का भक्ति हो वो, लेकिन उनमें कर्ता भाव नहीं हो, कर्ता भाव में नाइबा होता शरीर से होता। अब जौन लीला असली में जौन रोल मिलाबा पुत्र के भाई के पति के पिता के, अब तो विदुर बन गई ना आप, तो विदुर के तो इच्छा न हो चाहिए ये न रामनाथ भाई विदुर बहन की नहीं अब वो विदुर तो जवान रोल मिल जाए बस वह करे के चाहिए। ठीक ते कहते हैं कि अब देखा जा रामनाथ भैया अभी तनको मत सोचे कहाँ से याद दिला देने कोई के याद मत करो। ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका अते ही शशि महु जनी हो कलंका। हनुमान जी कितना समझा रहे, कहते हैं ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। ऋषि पुलस्त जी का जो यश है वह निर्मल चंद्रमा के समान है और उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। यह बंधु भाई ने सब लोगन के पता है कि बंधु भाई बहुत परिश्रमी किसान रहे ना, वो बड़ा जो है सेवा करे बहन, अब कोई आकर के अब वही के बिगाड़े तो अच्छा लगी। अब देखो अब यहाँ यह बात बैठावे के बा और रामनाथ भैया आज एकदम बैठा ले चाहे कुछ हो बा, आज पता चलल कि जितना ये शरीरी का उम्र बा ठीक होकर दुगुना रामनाथ भाई का उम्र बा 4284 ठीक ना, ठीक बा। तो शरीरिया के बाने तो शरीरिया से का लेवे के बा, लाइन जोन बा पकड़ जा जे पकड़े को राम नाम दीनु गिरान सोहा आ देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। बिना श्री राम नाम के यह जीवा यह बाड़ी शोभा नहीं देती। और इस पर आप सब लोग विचार करिए, लेकिन कैसे घमंड और मोह इसका त्याग करके, ऐसे नहीं विचार होगा, जो घमंड और मोह का त्याग करके देख लेगा तो वास्तव में यह बाड़ी बिना राम नाम के शोभा नहीं देती। कर जाए मोह माने धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा कीर्ति यश कौनो कामना न रहे, वो अवस्था में देखिए लगी कि वास्तव में जो है कि बिना राम नाम के ही बाड़ी के कौनो शोभा। तो उतना करके जब अनुभव हो जाए तब हमेशा जो है बाड़ी होत रह जय श्री राम भैया जय श्री राम। तो जब ओम में जो है कि और ही नहीं कि खाली बनावटी, सच्चों में
जवन कर्म बिल्कुल भगवान के समर्पित कर दे, बिना भगवान के समर्पण किए जो है ना वो जो है कि शांति नहीं बा। और कहते हैं अब का समझीवे, साफ साफ बताता है कि बस नहीं नहीं सो है सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी। कहते हैं कि ये बात पकड़ में आयल, मद और मोह त्याग करके विचार करबे तो राम नाम के बिना बाड़ी शोभा। और इतना ही नहीं, कैसे कहते हैं कि सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री हो लेकिन बिना कपड़ों के नंगी व शोभा नहीं दे सकती। ये ने मनुष्य बदे मतलब समझावे बदे बात होता, लेकिन राक्षसन के वह अच्छा लगी तो वहाँ राक्षसी वाली भावना ही है। जी एक देखा समझावत है हनुमान जी रावण के। जी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन्हें सरितन है नाही बरस गए पुनी तब ही सुखाई। कहते हैं श्री राम जी से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रहते हुए भी चली जाती। श्री राम विमुख बा बहुत सा धन बा, जुआ शराब वेश्यावृत्ति में मन लग गा आयल गयल, लेकिन जब प्रभु के उम्र रहे तो बचल पकड़ में आवता नहीं। तो वही कहते हैं कि उसका जो पाना है संपत्ति का धन का ये सब का प्रभुता का, उसका पाना न पाने के बराबर है। आई चली गई तो फिर का कोनो चीज मिले तो रह जाई ने, इतना जीवन भर बंधु भाई इतना सीधा साधा किसान के रूप में सब संसार जानो था, अब पता चला कि कोनो चांडाल आयन चाहे लड़का चाहे नाती के रूप में अब कुछ ऐसा काम करें कि बंधु भाई का कुल कियल करायल, तो ये बात अच्छी नहीं। यही से ही पिता का कर्म है भाई, कि अगर वास्तव में पिता बना है तो सही संस्कार बच्चन में हो के चाहिए। ई नीति अगर संस्कार नहीं दे सकता तो पिता बने का अधिकार नहीं। ठीक। और कहते हैं कि जिस नदियों के मूल में कोई जल का स्रोत न हो, कोई नदी है और ओके हमेशा जल का स्रोत ओके अगर नहीं बा तो बरसात के समय में तो पानी रही लेकिन सूखा में वो सूख जाए जब स्रोत है नहीं बा, कोनो बनावटी बात तो नहीं बा। जी और इतना नहीं, हनुमान जी क्या कहते हैं महाराज सुने रामनाथ भैया कि सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी अशंकर सहस विष्णु अज तो ही अस कहिन राखी राम कर द्रोही। समझा जा बहुत बड़ा चीज मिलता। कहते हे रावण सुनो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, हनुमान जी का भाव है, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम जी से विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले यानी तुमको बचा नहीं सकते रावण।
हनुमान जी के देखो शरीर सीधा, हजारों एक शंकर नहीं, हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, हजारों क्या करोड़ों अरबों खरबों कोई हो, जो श्री राम जी से विमुख है उनको बचाने की जो है क्षमता किसी में नहीं, क्योंकि सब उन्हीं के बल से तो काम कर रहे हैं तो कहां से बचाइए, ये न यही से राम विमुख हुए के कहीं जगह नहीं बनात, सेवक और स्वामी के भाव में कोनो अंतर, कभी कोनो क्षण के लिए भाव कटबे न कर, इस शरीर सेवक बा प्रभु परमात्मा मात्र एक स्वामी बा, चाहे श्री राम जी के रूप में जाना, चाहे श्री कृष्ण के रूप में जाना, चाहे अल्लाह के रूप में जाना, चाहे बुद्धा के रूप में जाना, कोनो रूप में जाना, मात्र वही परमात्मा एक है। परमात्मा में कोई भेद पैदा करता है वह पाखंडी होता है वे जब एक है तो उनमें भेद का जगह नहीं है। कल्याण हो भाई कल्याण। तो देखिए हनुमान जी का देखे बहुत सही समय पे आ रहे हैं, बस यह पकड़ ले में व्यवस्था बा कि जब भी आवे वह पकड़ ले, वही से काम हो जाएगी। तो क्या कहता है हनुमान जी कि मोह मूल बहु सूल प्रद अत्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कहते मोह ही जिसका मूल है, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित ये जो तामसिक व्यवस्था होता है ना तमोगुणी, हाँ मांस गांजा शराब ये सब तमोगुणी बा, तो कहते हैं कि ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान, अभिमान के कारण अहंकार के कारण भैया ये मोह उत्पन्न होला। अगर अहंकार न रही तो मोह हो नहीं सकल। जब हम बटले ना ही भाई को भाई राजा राम भाई ठिनिया कह ले उठनिया जा ले तो तन्नी तन्नी अभी आवता तो कहे देखा गुरु कहे रहा कि न पूछो पूछ ले ले जब नीला हो कुछ ना कुछ होई तो क्या आके अपने से जब बताई दे उसे बता देते है कि गुरु अब तनी सा नहीं बा तो कहते हैं कि वही अभिमान ही जो है मोह का मूल होता। अहंकार नहीं है तो मोह हो नहीं सकता। और लोग कहे गुरु तू ऐसे ही कह ले कैसे मोह मारने लगी गोरे में रहे थे, अरे कैसे लगी जबरदस्ती लगी बतावे। अब जो है कि यहाँ जो है चश्मा लगा ले वह जिसे भैया वह तक कितनों जो है अंगूरी के ले जीवे तो उस शीशे पे आकर रुक जाए आंखी पर तो न पहुंची या तो के तोड़ो यह ने जब अहंकार नहीं बा तो वह कवच बा, नहीं बा तब कवच बा, ले ले तो टूट गल। तो जब ये कवच रही तब मोह कहीं जगह। और देखे भवा तुसे एकदम सीधा सीधा पक्का पक्का बात यह जान ले कि तनको मोह रह जाए तो भगवान अपने में मिले है न, उनकर ही निश्चित सिद्धांत बा नाथ भैया। तनको अगर मोह रही तो उन मिले है यह ने। तो वही जो अभिमान है वही मोह का मूल है जो बहुत पीड़ा देने वाली होती। देख ले अनुभव करो कष्ट होला ने जैसे तनको ममता लगा ले वो तनको बोल दे उसने गुरु ऐसे बोल दे गुरु होला ने। तो वैसे जो है अभिमान के रखे की जरूरत जवन हो जाता हो जाता। अब देखिए यह यही जो बाड़ी है हनुमान जी की यही भक्ति विवेक विरक्ति और नीति से सनी हुई है। ये हनुमान जी की जो बाड़ी है इसमें
भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, ज्ञान है और नीति है, इतनी बातें हैं। आज इसको वास्तव में धारण कर ले और शरीर का अहंकार जो देह जनित अभिमान है इसको खत्म करके बिल्कुल श्रद्धा भाव से हो जाए, देखिए कल्याण का कार्य शुरू। फिर वहां पर और कुछ जरूरत नहीं। अब जब सब आलू गोभी टमाटर भंटा सब लगेगा, आटा घी सब आएगा और चूल्हा उल्हा बटलेबा तो आप खटाखट शुरू हो जाइए कि लेके आलू चीले तो जब होएगा ना तो यही बात बा। तो यद्यपि कही कपि अति हित बानी भगत विवेक बीरति नय सानी। अब बोला बिहसी महाय अभिमानी मिला मही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यही से अभिमानी लोगन के सामने ही कथा कहे के नियम। यही से यह होला ना कि एकदम सरल भाव में कपट त्याग करके सुनत जा समझत जा बात। तो कहते यद्यपि हनुमान जी भक्ति वैराग्य ज्ञान और नीति में सनी हुई बहुत ही हित की बाड़ी कही है, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ठीक, तो अहंकारी लोगों को कभी ज्ञान का बात देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और क्या कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही अलागे सी अधम सी खावन मोही। रावण कहता रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधर्मी मुझे शिक्षा देने चला है। ऐसी बाड़ी हनुमान जी को रावण कहता है। तो उल्टा हो ही उल्टा हो ही कह हनुमाना अमति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी कहते उल्टा होगा रावण, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में है, मैं समझ गया। ये भाव देखो, घबराए मत, यह भाव है। वो जैसे कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है, मुझे सिखाने चला है, उल्टा होगा रावण, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में है, क्योंकि हनुमान जी कहीं डरने वाले नहीं है। ये भाव सुनत निसाचर, और क्या हो रहा है, तो सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना अबेगी न हरहूं मूढ़ कर प्राणा। जब ऐसे बोल दिया तो रावण एक तो अहंकारी और उसे कहेंगे तुम्हारी मृत्यु आ गई है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम्हारी मति भ्रमित है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। जो घमंडी होता है उसको गुस्सा बहुत तगड़ा आता है। नाथ भैया जब बीच बीच में जहाँ भाव रहा उसे ही भाव दिखावे के पड़ा रहा, समझे मुझे। तो वही कहता है कि वो एकदम खिसिया गया, खिसिया गया माने बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो राक्षसों को, यानी इसे मार डालो। तो सुनत निसाचर मारन धाये असचिवन सहित विभीषण आए। ठीक ना, तो रावण की बाड़ी सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। देखिए नाथ जी, सीधी व्यवस्था है कि अभिमानी और अहंकारी को ज्ञान का उपदेश लगता है नहीं, यह निश्चित है। तो देखिए विभीषण जी आते हैं और आते ही क्या करते हैं कि नाई सी से करी विनय बहुता नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई
सब ही कहा मंत्र भल भाई। आकर के विभीषण जी राजा है, सिर नवाते हैं और विनय करके रावण से कहे कि भाई दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। हे गोसाई यानी हे स्वामी, कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई यह सलाह उत्तम है। तो सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठाइए बंदर। तो यह सुनते ही रावण हंसकर बोला कि अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए, माने इसका कुछ अंग भंग कर दिया जाए। अब देखिए नाथ, जब बुद्धि भ्रम में होती है तो सब उल्टा काम करते। देखिए अब एक कह रहा है रावण, समझा कर कह रहा है बिल्कुल, ठीक न। अब तो अहंकार न हो चाहिए न राजा राम भाई, तुम्हारा क्या कहे बंद हो जाला। सुनो, ज्यादा हंसी में नहीं, देखो समझा के जैसे ही हो कहता है कि कपि कै ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। कहता है कि मैं सबको समझा कर कहता हूँ रावण, बंदर की ममता पूछ पर ज्यादा होती है, क्या कि पूछवा से तो उसका काम होला। अतः तेल में कपड़ा डुबो कर, कपड़ा को कहाँ डुबाओ, तेल में, उसे इसकी पूछ में बांध कर फिर आग लगा दो, ठीक ना। इतना समझा कर कहता और कहते हैं कि पूछ ही ने बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके किन्हिसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्हें कै प्रभुताई। और कहता है रावण कि जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ में लेके, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनका सामर्थ्य तो देखूं। इसलिए अहंकारी लोग हमेशा जो है ऐसा जो है रावण कहता है। तो देखिए, बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, अभय सहाय शारद मैं जाना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। तो जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण की बाड़ी सुनकर मूर्ख राक्षस उसके अब हनुमान जी के पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। तो क्या करते हैं कि रहन नगर बसन घृत तेला, अब बाड़ी पूछ की न कपि खेला, अ कौतुक कहाँ आए पुरवासी,
मारही चरण करही बहु हासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा। देखिए क्या कर रहे हो, कहा कि कपड़ा को पहले तेल में डुबाना और ये सब पहले कपड़ा लगे लपेटने, ओकरे बाद ऊपर से तेल छोड़िए तो ऊपर ऊपर जल जाइए, अंदरवा कहाँ जाइए। आज यही से वो समझा के कह रहा कि पहले तेल में डूबोगे। ठीक, तो वो पूछ लगे हनुमान जी बढ़ाने और नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि ये कि पूछ बढ़ गई यानी लंबी हो गई और नगरवासी लोग तमाशा देखने आए और हनुमान जी को पैरों से ठोकर मार रहे और उनकी बहुत हंसी करते। तो जो सेवक भाव रखने को तैयार हो उसको राक्षस कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मारे, कुछ भी प्रताड़ना दे, लेकिन कभी उसका कोई भी बात मन से मन को विचलित नहीं करना। सेवक भाव में ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे करे लेकिन विचलित नहीं। अब्बा जही ढोल देही सब तारी, अनगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी। सब ढोल बजाते हैं, लपेटा जा रहा है, ढोल बज रहा है और सब लोग तालियां पीटते हैं और हनुमान जी को लंका में घुमाकर फिर पूछ में आग लगा दिया गया। तो पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही अग्नि को जलते हुए हनुमान जी देखे वैसे ही तुरंत छोटे रूप में आ गए और जब छोटे रूप में हो गए तो नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, अभी सभी तनी साचर नारी। तो बंधन से निकलकर जब छोटे हो गए तब बंधन से निकल गए और वह सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। एक तो बंदर ऊपर से आग लगाए वा जराई, यह न बंदर ऐसे ही उछले कूदने में बड़ा तेज हो ले। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उन्चास, अट्टहास करी घर जा कपि बड़ी लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार से हवा चलने लगी, 49 प्रकार से। वैसी हवा कभी चली नहीं, उसके बाद वैसी वायु कभी चली नहीं। और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और गरजते हुए आकाश से जा लगे, माने बिल्कुल ऊपर ऊपर। हाँ, और शरीर बड़ा कर लिए, अब शरीर बड़ा कर दिए। तो देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई। अजरई नगर भालोग बिहाला, छपट लपट बहु कोटि कराला। देह तो बड़ी हो गई लेकिन बहुत हल्की हो गई, शरीर तो बड़ा लेकिन अंदर हवा भर लिए, पवन पुत्र है ये है, तो शरीर हल्की हो गई। जब हल्की हो गई तो कहीं भी जा सकते हैं, यही ना। हाँ, और एकदम फुर्तीली, जब हल्की हो जाएगी तो फुर्ती अपने आप आएगा। तो वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए और आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही। अतात मातुहा सुनिय पुकारा,
यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब हाय पप्पा हाय मैया कहके चिल्लाने लगे, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा, समझे। तो सब तब चिल्लाता है, लेकिन कोई राजा राम भाई के बोले इवे नहीं करे, देन होते तो बोला बस। और चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रहा, और कह रहे कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर रही, ये कोई देवता जो है बानर का रूप धर के आया है, ठीक ना। तो एक अब समझ ले भाई, पहले अगर नहीं समझे रहे तो जौन मुंह ममता लगा लगा, लेकिन अब साफ साफ बात बा। शंकर जी कहत है का कि साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अजारा नगर उनी मिख एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है। साधु हनुमान जी साधु रूप है, उनका अपमान करोगे तो ऐसे ही नगर जल जाएगा। इसलिए साधु, बस साधु में क्या चीज पहचाने के बाद कि साधु के पूर्ण विरक्त हो के चाहिए। हाँ, अगर विरक्ति नहीं बा के जबरदस्ती को दे एक किलो, अरे एक किलो गैया का घी दे, एक बोरा गेहूं, नहीं तो श्राप दे दे, तो के डंडा खींच खींच के बाहर के भगा दे। मंदिर पर ध्यान दे, ध्यान दे, कुछ नहीं विरक्त नहीं बात, तो सीधे जो है हाँ चोंगा धारण करा वाले से कोनो मतलब, क्या कि बिना विरक्ति के रामनाथ भाई, बिना सत्य के कोई मनुष्य के सही वृत्ति नहीं लिया सकत, और बिना विरक्ति के कोई जो है साधु के अवस्थान में नहीं जा सकत। तो जब विरक्ति नहीं बात का मतलब बा, तो वही कहते हैं कि साधु का अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाले, मात्र एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। तो ता कर दूत नल जही सिरी जा, अजरा न सोते ही कारण गिरी जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनी सिंधु मझारी। भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं माता पार्वती जी से कि जिन्होंने अग्नि को बनाया हो, भगवान अग्नि तब तुम ही बनाए बा न, उन्हीं के माया बनाए बा, ऊ का बनाए बा, उनकर माया भी अग्नि तत्व बनाए बा। तो कहते हैं श्री राम जी हे शंकर जी कि हे पार्वती, जिनकी माया के द्वारा अग्नि बनाया गया हो और हनुमान जी उनके दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट करके एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला डाले और फिर जा करके समुद्र में कूद पड़े। इतना काम लंका दहन होएगा तो पूछे बुझाई खोई सम, अधरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी सीधे पा जाते हैं अशोक वाटिका में, और माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े। अब वही आज्ञा मांगे रहे थोड़ा देर पहले कि फल खा ले, भूख लगा हुआ और फल खाए बदे गए और इतना कार्यक्रम करके फिर आ गए, है ना।
और आगे क्या कहता है कि माँ तू मोही दी जय कछु चीना जैसे रघुनायक मोही दीना। अंगूठी दे रहे हैं भगवान। तो चूड़ा मणि उतारी तब दयाउ हरस समेत पवन सुत लयाउ। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे माता मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे श्री राम जी ने मुझे दिया था दिए थे। तब सीता जी चूड़ा मणि उतार कर दी और हनुमान जी उसको हर्ष पूर्वक ले बतावे कि पड़ी ना कि मिलल है तो देखो ये बाबा जानी और कहां से मिली जी। तो कहे उताते असे मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। यही बात जो आप कल रामनाथ दिया जब तक अपन स्वार्थ न मिटी तब तक कैसे परमार्थ हुई। तो यह पूर्ण काम। तो कहते हैं जानकी जी कहती है कि हे तात मेरा प्रणाम और निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं यानी आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथापि देखा ऐसने स्थिति में ही बाणी निकला बा और तो उसमें तन्नी तन्नी में लगे चिल्लाए क्या कहले तथापि दीन दयाल धीरी दुसंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इतना दिन दुखी हो जाए ठीक ना तब प्रभु के याद करे के ई भाव बा लेकिन यहाँ तन्नी सा पड़ल नहीं भगवान जी भगवान नहीं वैसे तो हमेशा रहे और रही बात की दुख तब तक नहीं आ सकत ई बात के जान ले विपत्ति के पास ताकत नहीं बा कि छू दे भक्त के। अगवाई ने कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई अजब तब सुमिरन भजन न होई। जब सेवक भाव बा स्वामी बा तो विपत्ति के वहां कहां जगह बा तीसरा विपत्ति कहां से आई अचानक। लेकिन जैसे ही अहंकार आई तो विपत्ति मोह सब भाई अब लेके डंडा सूतल करो अहंकार आवे न मार दे कहीं नहीं ठीक यह सब करे के पड़ला। तो कहती है कि तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका बीरद है माने आपका बान है मान है कि आप दीन दुखियों का दुख हरण करने वाले हैं। और सीता जी करे और मैं दीन हूँ नहीं पराए के बस में हूँ और बोल के गया है कि एक महीना में बात नहीं मानी तो हम काट डालेंगे। अतः उस बीरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। और रही बात कि जब यह जयंत चोच मार करके भागा था तो वह बात मात्र सीता जी और राम जी ही जानते थे तो हनुमान जी को माता बता रही हैं। अब ऐसा बात जब बतेबे तब ने पता लगी कि सच्चों में मिल क्या है क्या है कि पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसा बात वाला कि बस दुए जने जाना ले यह ने। तो तात सक्र सुते कथा सुनाये हूँ अबान प्रताप प्रभु ही समुझाये हूँ अब मास दिवस महू नाथु न आवा तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। कहती है पुत्र जयंत की कथा यानी घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप यानी स्मरण कराना समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाए
क्योंकि गया ने एक महीना में मार डालूंगा, ठीक ने? ये सब नव लीला है। अब ये सब बतिया ऐसा नहीं बा वही पढ़ाता, पहले भी सब सुने भाई देखे भाई कि सीता जी इसे रोक के कह रही तो जो है वो जो है पुल बांध करके राम जी गए। तो आज के मेरे दोनों ऐसे ही जमने, अगर कोई पति परदेश से बा कहिए बता देते ही इतना दिन से कल, अगर एक महीना में ना आई ना तो हमारा मरा मुंह देख पा वो ना पैसे ऐसे ही अगर कोई पहले चिट्ठी लिखा है अब तो फोन हो ही गया बा और कहीं कहीं भी रहा कुछ हो करा, लेकिन संजय भी एक बार फोन करे जरूर कोनो मरबो नहीं करती झूठे गोली कोनो मरती नहीं नहीं तो ठीक, लेकिन यहाँ ये बात नहीं बा, यहाँ भाव एकदम पक्का पक्का बा ना। ठीक तो कहूँ कपि के ही विधि राखऊ प्राणा अतुमहु तात कहत अब जाना अतो ही देखी सीतली भई छाती अपुनी मो कहूँ सोई दिनु सो राती। कहते है के हे हनुमान जी कहो अब मैं किस प्रकार से प्राण को रखूं, अब मैं हे पुत्र तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो है ना, तुमको देखकर तो छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे तो वही दिन और वही रात, ऐसा जो है तो जनक सुत ही समुझाई करी अब बहु विधि धीर जुदीन अचरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिकीन। तब श्री हनुमान जी माता जानकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरज दिए और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किए। और ऐसे ही नहीं चलते समय भी हड़का के अभी तो इतना दिखाए तो चलत महाधुनी गरज सी भारी गर्भस्त्र वही सुनी निश्चर नारी। चलते समय श्री हनुमान जी ऐसी महाध्वनि से भारी गर्जना किए जिनको सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। तो नाघी सिंधु यही पार ही आवा शबद किल किला कपि ही सुनावा। समुद्र लाख कर अब इस पार आ गए जहां से चले थे रामेश्वर, रामेश्वर से चढ़े थे ना, अब वहां आ गए और बानर लोग जब देखे हनुमान जी आ रहे हैं तो किल किला शब्द यानी हर्ष ध्वनि से बिल्कुल सुनाए। तो हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तने तेज बिराजा किन सी राम चंद्र कर काजा। अब देखिए जब कोई काम हुआ रहता है ना तो चेहरा खुश रहता है, अगर कहीं गई ले कोनो काम करे ना ही भल बा तो मुंह लटका ही तो समझ में आई लगा था कुछ कम हुआ नहीं बोला ने जी। तो हनुमान जी को हर्षित सब देख करके हर्षित हुए क्योंकि हनुमान जी हर्षित रूप लिए हुए आ रहे हैं। तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा, अब काम होगा तब तो दिक्कत नहीं बा। हाँ हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है जिससे
बानर लोग पहले ही समझ लिए कि ये रामचंद्र जी का कार्य करके आ रहे हैं। तो मिले सकल अति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी। सब लोग हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए, वैसे जैसे कोई मछली तड़पड़ा रही हो और उसे पानी मिल जाए, ऐसे सुखी हो। तो चले हरषि रघु नायक पासा, पूछत कहत नावल इतिहास। सब हर्षित हो करके सारी वृतांत को कहते सुनते, यानी पूछते हुए कहते हुए, सब पूछ रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं, ऐसा कहते हुए श्री राम जी के पास चले। ठीक, तो अभी श्री राम जी के पास पहुंचे नहीं है, अभी बीच में आ गया जो है मधुबन। हाँ, अंगद जी अरे सुग्रीव जी का वो बगीचा है भाई, बहुत बढ़िया। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो सब लोग आए तो अपना जो है पहुँचने के पहले मधुबन में, मधुबन के भीतर चले आए, और अंगद जी युवराज है भाई, तो उनकी सम्मति से सब लोगों ने मधुर फल खाए। और जब रखवाले बरजने लगे, यानी मना करने लगे, तब घूसों की मारते ही सब रखवाले भागे और पहुंचे कहाँ, सुग्रीव जी के पास। राजा तो नहीं बैठने अब। तो जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। अब वो रखवारे सब जा करके सुग्रीव जी से कहे कि युवराज अंगद जी बन उजाड़ रहे है। यह सुन करके सुग्रीव हर्षित हुए, वो जान गए कि सब बानर प्रभु का कार्य करके आ गए। बनु जानने से हर्षित नहीं हुए, अरे काम करके आ रहे हैं तब न खास है, नहीं तो इसे कैसे की हिम्मत रह जी। तो जौन होती सीता सुधी पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाज। सुग्रीव जी विचार कर रहे हैं कि यदि सीता जी की खबर नहीं पाए होते तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित सभी बानर का टोली। तो आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सब लोग आ करके सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाए। तब कपियों के राजा सुग्रीव जी सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले और कुशल पूछे। तब बानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है महाराज, श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त श्री राम जी के कृपा से। तेही जो संसार में कर्म होत हो, ये तो खाली साधन हो, लेकिन विशेष कर्म ही हो, जने से कि धरती पर शांति सुमति और पवित्रता स्थापित हो। ठीक है, विशेष काम ही हो, ये काम तो खाली शरीरिया चले बदे बा जी। और कहते हैं
कि नाथ है काजू कीन्हे हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। तो सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले कपिन सहित रघुपति पही चले। और बानर सेना कह रही है सुग्रीव जी से कि हे नाथ बंधु भाई का जो हो के कहत हो। तब वह तन्नी समय यह भुला जाए फिर सब बानर लोग कह रहे हैं सुग्रीव जी से का हो जात हो कहीं दिक्कत बा। बानर लोग कह रहे हैं सुग्रीव जी से कि हनुमान जी ने ही सब काम किया है महाराज और सभी बानरों के प्राण इन्होंने ही बचाए हैं। ये न अगर ना पता चलो तो फिर मरते न सुग्रीव। तो कह रहे हैं कि हनुमान जी ने ही सब काम किया। तो यह सुन करके सुग्रीव जी हनुमान जी से दोबारा मिलते हैं। तो यह बात बा जब जैसे काम होला ना तो लोग ज्यादा मान ले। और उसके बाद सब बानरों समेत श्री राम जी के पास चलते हैं। तो राम कपिन जब आवत देखा किए काजू मन हरस बिसेखा। तो फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई। श्री राम जी जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखे तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। नर लीला है इसलिए वो दिखाना पड़ता है जी। देख रहे हैं कि सब कपि लोग जो है हर्ष के साथ आ रहे हैं। जब काम भली तब बने खुशी खुशी चल रहे हार जी गए तो मुंह न लटक गई नहीं लटक दे। समझ के कहबे तो सही कहबे। राजा राम भाई तो समझ लेन कि गुरु गलती होता इसे चुप रहो। चित्र लगाए रहबे तो सही बात पकड़ में आई। नहीं तो कहाँ हाँ कह क्यों कहाँ नहीं। वहाँ जो है ठीक। तो दोनों भाई यानी श्री राम जी और लक्ष्मण जी इस फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और सब बानर जाकर उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। तो प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंजी। यह दोहा के पकड़ लेबे तब वो काम हो जाए। एक एक शब्द वैसन बा बाड़ी है बा एक एक चौपाई बा कि बस एक्का के पकड़ से काम हो जाता। कहते हे दया के राशि श्री राम जी ये जो है सबसे कहते हैं कि दया के जो राशि श्री राम जी है ये सबसे प्रेम सहित गले लग करके मिले और कुशल पूछे। कुशल पूछे तो उसे पूछे लग कुशल। तो बानरों ने कहा कि हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल। देखो में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ। एठिनिया जितना बार देखे मिलिए जुलिए ना और भाई और हलचल ठीक हो। बार बार पूछे कहीं हाँ ठीक हो लेकिन कभी ठीक रहो नहीं महाराज। सुना कुशल कब होला
जब प्रभु के चरण में मन बाड़ी और कर्म तीनों लग जाला तब कुशल हो जाला, फिर पूछे के जरूरत। देखो ये समझे के बाद बा कह रहे ना कि आपके चरण कमल देख लिए महाराज तो आप कुशल ही कुशल। तो उस चरण से जितना विमुख रहवे तब तक कोनो कुशल नहीं हो, वो खाली व्यवहारिक भाषा में पूछवे और होगा कुशल मंगल बा। हाँ बा ठीक है बा, ठीक है बा, जैसे ही बोले उसे ही समझ जीवे कि ठीक नहीं बा, वो ठीक है बा बोल दे न। तो जब तक प्रभु के चरण में मन बाड़ी कर्म न लगी तीनों, कोनो भी सेवा हो सिर्फ प्रभु के लिए, और होता करे वाला भी हम यहाँ तक भवा। जब बंधु भैया बात पहुंची तब वो एको क्षण के लिए आंख झपकी नो, ये पक्का पक्का बात कहिए गुरु अपने बढ़िया में कुल बतिया बताऊ दे ना, पहले हम कुछ कबो नहीं करी। यह तो आनंद बा। ठीक, जब यहाँ तक हो गया तब जो है बंधु भाई तब जामवंत जी कहते हैं, अब समझ जाए कि मंत्री जामवंत जी हैं, मंत्री के काम नहीं। तो जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम्हें दाया, अताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कितनी बड़ी बात बोलते हैं रामनाथ भैया, ई बुद्धि द्वापर में ही खत्म हो गल बा। जामवंत जी इतना बुद्धि रखे वाला इसमें धरती पर कोई नहीं बा। द्वापर तक उन्हें रहा रहे बदे, उकरे बाद वो भी चला गया हनुमान जी और विभीषण जी अभी है। देखा जाए कितनी बड़ी व्यवस्था यह बतावत है। जामवंत जी कहते हैं कि हे श्री राम जी सुने, हे नाथ जिस पर आप दया करते हैं उसका हमेशा कल्याण और निरंतर कुशल रहता, सिर्फ उसी का और सबका जो है कि नहीं, जिस पर आप दया करते हैं सिर्फ उसका हमेशा कल्याण और निरंतर कुशल रहता, देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर देवता मनुष्य और मुनि, आप लोग जितने लोग इसमें बैठे हैं इसमें देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, मुनि हैं, इसमें कोई एक नहीं है जो कि राक्षस हो। राक्षस खुश नहीं रहेंगे, कहते हैं ना देवता मनुष्य और मुनि, राक्षस कभी खुश उसे पूछिए कि यार कहिया गुरु जी हैं। ये ना जे अगर ऐसा बाणी पूछ ले ओके निश्चित समझ ले वो राक्षस का बार राक्षसी गुण से बेचारा जो है ग्रसित बा। हाँ ठीक, अब चिंता न करे, ये ज्यादा समय नहीं बा, 20 दिन में कुल रामायण जितना बा 20-22 दिन में लगभग पूर्ण हो जाएगी जो है, बहुत बढ़िया बात। तो कैसे भी ईश्वर का कृपा बा, उनमें जो हो कि जी इस शरीरिया तो हुआ रवि गुरु का बाप हुआ कुशा वाले जो है, कहे कि कोनो अलग से नहीं बा। और रामनाथ भैया एक बात बिल्कुल निश्चित बा कि प्रभु अपने तंत्र से ही अवतार ले लें, वो माया के प्रकार से धरती पर नहीं होते। कोई भी एक शरीर हो जोन माया के प्रकार से पैदा भा हो, वो अधिक से अधिक परमार्थी हो सकला, परमात्मा नहीं हो सकल, परमार्थी खाली हो सकला। परमार्थी में मतलब जहां पर इच्छा जेकर खत्म हो जाए वह परमार्थी बन सकला। हाँ, और इच्छा जेकरे की है बा वो परमार्थी, ऐसने में जो है कि कोनो व्यवस्था कृष्ण जी के बाद नहीं देखाल बा, कृष्ण जी के बाद ही व्यवस्था धरती पर नहीं देखाल बा। दाद बात बहुत रहस्य के बा, अब एक आप जिसे लोग विचार करके देखिए
कहे कि जितना व्यवस्था लो में कहीं ना कहीं कामना यह ने ठीक बा माने एक खाली देवता मनुष्य ऋषि मुनि के सभा बा ऐसे ऐसन बाड़ी कहे कि यहाँ कोनो भेदभाव नहीं बा भाई ठीक। और कहते हैं कि सोई विजयी बिनई गुण सागरे तासु सुजसु त्रै लोक उजागरे अ प्रभु की कृपा भयउ सब काजु अजन्म हमार सुफल भाजु। एक टेक खूब दे लेन जब चला लाते और एक को भगवान के काम करते नहीं खाई झूठे को अरे ये ने कहते हैं कि वही विजयी है वही विनम्र है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है और उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। किसका? जिस पर आपकी कृपा होती है और प्रभु आप ही की कृपा से सब कार्य हुआ और आज हम लोगों का जन्म सफल हो। ये कितनों काम कर ले, पूरा 10 मंजिला बिल्डिंग बनवा करके बढ़िया जो ना घिरवा ले, कुछो कर ले, ऐसे कुछ जन्म सफल हुआ वाला नहीं बा। और मन पवित्र हो गल और आधा गिलास पानी भी अगर पिला दे ये शरीरी से मन पवित्र होगा, ये शरीरी से एक आधा गिलास पानी भी कोई जीव के पिला दे तो जीवन सफल बा। लेकिन बिना मन पवित्री के और मन पवित्र के व्यवस्था बाकी अहंकार न रहे कि वो अवस्था हाँ वाल है कोई बेदोत पढ़ करके यार समाजीय रहे तो वह कहें जब कहें कि महाराज आप कहो तो उनसे कहा कि भाई देखो प्रभु के व्यवस्था बा कि जैसे ही मन बाड़ी कर्म से शरणागत हो ले वैसे ही प्रभु जो है तुहार करोड़ों जन्म का पाप नाश कर दी है ठीक न। तो उनके गुरु कैसे मानी हमके पहले अपन झूठ तो छोड़ो एक खेत छोड़ करके पहले आओ और तू एक बार शरणागत एक बार का तू हो के देखा तो सही फिर कहाँ का पाप रह जाई भाई। अघ की रही हरी चरित बखाने जब पूरा मन बाड़ी कर भगवान में लग गा तो फिर कहाँ पाप रह जाई। तो स्थिति बा कि अब लोग अपन अपन बुद्धि लगा के हाँ वो सब करे बहन वो सब कुछ लेना देना यही से जो है ना कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। अब वह सबके बुद्धि में जब ये बात बैठ जाए कि ईश्वर ही शरीर के खाली स्वामी है ये शरीर खाली सेवक हो एक दूसरे के कल्याण करे में पूरा मन बुद्धि लग जाये ने तो फिर कहाँ चोरी कहाँ जो है नौटंकी रह जाये। ठीक तो कहते हैं कि वही विजयी है वही विनम्र पुरुष है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है और तीनों लोकों में सुंदर यश प्रकाशित होता है जिस पर आपकी कृपा होती है और प्रभु आप ही की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ और आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ। थोड़ा नमक नहीं बा देने तो वो बा वो उठा दे ठीक ध्यान दे थोड़ा ही कोई बात नहीं। कहते हैं कि नाथ पवन सुते किन्हीं जो करनी सहसहु मुख न जाई सो बरनी। हरिओ कहते हैं कि हे प्रभु पवन पुत्र श्री हनुमान जी जो करनी किए हैं वह हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता
जादव कौन लड़का लोग सब देख के चला गए उधर। हाँ, ठीक चित यहाँ रखो, वो थोड़ा सा जो है गला पर जो प्रभाव पड़ा तब जो है तो कहते हैं कि तब जामवंत जी हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी जो कार्य करके आए हैं लंका से वह प्रभु श्री राम जी को सुनाए। ठीक ना, अब देखो यहाँ एकदम चित के स्थिर कर लग कहीं चित जाए न भाए, ये न तो सुनत कृपा निधि मन अति भाए अपुनी हनुमान हरसी ही लाए कहूँ तात के ही भांति जान की रहती करती रक्षा स्व प्राण की। अब श्री हनुमान जी के द्वारा ही वह कार्य हुआ है, यही ना, तो यह चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे, है ना, और हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिए, हृदय से लगा लिए और कहते हैं कि हे तात कहो सीता किस प्रकार से रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। अब तो आप लोग एकदम कुल चित लगा के पकड़ा के है कि बड़ी अलग व्यवस्था बा, सुनी है और एकदम सही बात बा, लेकिन किकरे बदे जे मन बाड़ी कर्म से अपने पति के बिल्कुल जो है सेवक हो ओकरे बदे, ठीक ना, तो देखिए कैसे प्राण है अंदर शरीर में, शरीर के अंदर प्राण है, उसकी रक्षा सीता जी कैसे करती हैं, वो हनुमान जी का बता रही है ना, बता रहे हैं। अभी जब लंका में चले हैं तो चलने के पहले माता का दर्शन किए हैं, चूड़ामणि लिए हैं, है ना, तो वहां उनको भी बताए कि माता ऐसे आप प्राणों की रक्षा करिएगा, लेकिन वह इसमें दिया नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है श्री राम जी से वही बात बता रहे, जब एक बात दो जगह है एक जगह से भी काम हो जाए ना, तो नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट अलोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बात। चले गुरु बहुत है लेकिन एक समझावा अच्छे से क्या व्यवस्था बा। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ आपका नाम यानी श्री राम दिन रात पहरा देने वाला है, दिन रात वाला। जैसे यह जो है घर है शरीर, इसके अंदर प्राण है, तो पहरा देने वाला कौन है, श्री राम नाम। प्राण भाई निकलेगा कैसे, पहरेदार लगे हैं, तो आपका नाम यानी श्री राम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है, जो ध्यान आपका कर रही हैं वही किवाड़ है और आपका नाम पहरा दे रहा है, इसी घर के अंदर तो है प्राण ने, तो उसमें आपका नाम पहरेदार है और ध्यान जो है वह है कपाट यानी किवाड़ और नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हुई है,
जो उनके नेत्र हैं वे अपने ही चरणों में लगाई हुई हैं। यही ताला है, किवाड़ में ताला भी लगा है। नाम हो गया पहरेदार, या तो ऐसे समझ लें कि ये शरीर है उसमें आपका ध्यान है, वही किवाड़ी है, और जो अपने चरणों में मन लगा दिया वहीं पर ताला लग गया, और आपका नाम है पहरेदार। तो प्राण अब किस मार्ग से जाएंगे? दरवाजा बंद है, ताला लगा है ना, और पहरेदार भी है। यही व्यवस्था यदि कोई पत्नी अपने पति के लिए कर ले कि अपने पति का ध्यान हमेशा चित्त में रहे और उनका नाम मन में सुमिरन होता रहे और किसी का याद नहीं करना है, तो वास्तव में अपने स्थिति में वह देवी स्वरूप में कोई भी नारी रह सकती है। और इतना नहीं, अभी आगे देखिएगा और भी व्यवस्था है। तो ये तो बता दिए कि इसी प्रकार से और क्या कर रही हैं कि चलत मोही चूड़ा मणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी अनाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। कहते हैं हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु चलते वक्त माता जी चूड़ा मणि दी है और श्री राम जी उसे लेकर के हृदय से लगा लेते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, माता ने दोनों नेत्रों में आंसू भर करके मुझसे कुछ वचन कहे हैं, यानी कुछ उनके संदेश हैं। क्या है? उन्होंने कहा है, माता जी ने कहा है, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रण तारती हरना अमन क्रम बचन चरण अनुरागी अकेही अपराध नात हो त्यागी। माता जी ने कही है कि हे हनुमान, तुम मेरी तरफ से जाकर छोटे भाई समेत प्रभु के चरण को पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, यानी दीनों के भाई, बंधु माने वही सहायता करने वाले, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। तो भाई शरणागत का तो अर्थ होगा कि मन बाड़ी कर्म और शरीर कुल दे दे उन्हें, तब न शरणागत कि मन दे रहे कहीं और कहे कि हम शरणागत है। राजा राम है, अब मन कहीं ना दे भाई, देख ले सबके पीछे में कहे है, अब अपन बचन निभाया है, राजा दशरथ निभाए तो का तो उन्होंने निभावे है जी का मेरा रूप नाम तो नहीं है विद्या देवी विद्या देवी ठीक। और कहते हैं कि आप शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, ये बात पकड़ो, जे पर मन बाड़ी कर्म उन्हें नहीं देवा, उनके दुख सुख से भगवान के लेना देना वो अपने कर्म के हिसाब से भोगता है, तो उसे काले बदुए के बाद जी। और कहती है कि मैं मन बाड़ी और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं, मन बाड़ी और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं, यानी प्रेम करती, फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? ऐसा माता जी ने कही। और इतना नहीं, एक अपना अवगुण भी बता रही हैं कि अवगुण एक मोर मैं माना अब बिछुरत प्राण न कीन पयाना। और कहना
मेरे नाथ से कि मेरा एक दोष अवश्य है। मैं मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, वियोग होते ही प्राण चले जाने चाहिए, अगर अलौकिक भाव है, ठीक ना? तो या तो वियोग को एकदम खत्म कर दीजिए, अगर योग वियोग में है, अगर मन लगा रहे हैं संसार में, तो अपना अगर प्रेमी अगर चला जाए तो शरीर छोड़ देना चाहिए। रेशु तिवारी तो छोड़ के चल दे, उन्हें शंकर जी नहीं मिले छोड़ के, ठीक ना? साफ साफ बात बा, चले के पहले फोन भी करे रहे कि एक बार दर्शन हो जाए, हम क्या शंकरा जी नहीं रह गए तो कहाँ से दर्शन। हाँ, तो नाथ सो नयन नहीं को अपराधा, अनिसरत प्राण कर रही हटी बाधा। वह भी मेरा अपराध नहीं है, क्योंकि वह नेत्रों का अपराध है। ये जो आंख है वो प्राण को निकलने ही नहीं दे रहे हैं, कैसे एक समझो जा। देखो समझे बदे बहुत बढ़िया व्यवस्था बा, जैसे उबा न कि ध्यान ही जो है किवाड़ बा, राम नाम ही पहरेदार बा, है ना? और ध्यान कपाट बा, और जो चरण में ध्यान लगा ले भाई वह ताला बा, ठीक ना? तब प्राण कोने रास्ते से निकले वैसे ही बतावत आई कि यह जो है आपसे जब बिछुड़ रही थी तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, यही शायद मेरा अपराध है, लेकिन उसमें मेरा भी अपराध नहीं है, यह नेत्रों का अपराध है। कैसे? देखो, बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, अनयन स्त्रवही जलु निज हित लागी, नवन स्त्रवही जलु निज हित लागी, चरय न पाव देह बिरहागी। अब देखिए, जब बिरह होला, जब कोई से कोई बिछुड़ा ला तो कष्ट होला ने, माने अंदर एक आग लगा ला ने। आप लोग जो ना बिटिया के जो है विदाई करे हुए है, आप तो कर ले हुए बंधु भाई, तो होला ने बहुत सोला ने, वहां से समझो कि बिरह की अग्नि है। बिरह की अग्नि कितनी तगड़ी होनी चाहिए कि यह शरीर रूई के समान हो जाए, कैसे पहले की नारी सती हो जाती थी, इतना जो है उनको कष्ट होता। बिरह जो है वो अग्नि के समान है और शरीर रूई के समान है। आज सब उल्टा हो गया बा, मोर गई ने तो मोर गई ले, हम दूसरा भतार खोज ले। हाँ, आज तो यहाँ पर सबसे सुविधा बदे सजने लाए बहन ने, तो ध्यान दे। तो यहाँ पर कह रही है कि प्रभु का जो विरह है वह अग्नि के समान है और शरीर जो है रूई के है, श्वास हवा चल रहा है, जो श्वास ले रही हूँ यह क्या है, तो विरह की अग्नि है और अग्नि में भी हवा का अगर चले तो लपट्टा भी मारेगा। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। विरह का अग्नि बा और श्वास लिया था तो रूई जैसा शरीर ओके जले में कितना समय लगी। अभी भाव कोई रखे वाला नारी बा नहीं, ऐसे ऐसा व्यवस्था नहीं बा जी। और उसमें हो क्या रहा है, लेकिन नेत्र अपने हित के लिए, ये जो अखिया हो, हाँ अगर शरीरिया जली तो अखिया रही वो जल जाई,
तो वो अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए, कि प्रभु एक बार देखने को मिलेंगे, सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं कि आंसू बरसा दे रहे हैं। यही से शरीर जलन, इसलिए विरह की आग से देह भी जलने नहीं पाती। तो विरह अगर हो तो इस प्रकार से हो, इतना चीज महसूस अगर हो, ठीक न, तो ऐसा विरह करे वाला कोई बा नहीं, बस अपने लालच में कि तू अगर न रहे तो हमार का हुई। आप लोग कभी अगर टीवी उवी या पिक्चर उक्चर भी देखे हो गए तो मैं एक राजा राम भाई बात हमेशा सुन गए, कुल मेरुआ यह कहानी हीरो हीरोइन बन गए, अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसे ही कुछ कही है। और कभी ही नहीं कहतीन कि हम न रह तो तुहार का हुई, ये कभी कहेगा कोई? कितना लालसी होनी भाई, देख ले कहीं भी कभी डायलॉग कोनो देख ले, हमेशा जो है खाली अपने बदे, हाँ क्या तू न रह बता हम कैसे रह, ऐसे ही झूठ है नाटक करिए, ठीक तो समझ गई ना। और एक बाद हनुमान जी क्या कहता है कि सीता कै अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। कहते हैं कि सीता जी की विपत्ति बहुत विशाल है महाराज, उसको न कहा जाए तो ही अच्छा है, ठीक ना। माता भुवनेश्वरी के जब पता लगल कि इतना बड़ा जब काम हुई तो दर्शन हुई, भाई जब मोह रूपी रावण मोरी तब दर्शन हुई, तो के कितना आशा रखी भाई। लेकिन रखे भाई जी, तो वही व्यवस्था बा, कहते हैं कि बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा, उनकी विपत्ति बहुत विशाल। और कहती हैं, कहते हैं हनुमान जी कि निमिख निमिख करुणा निधि, जाहि कलप सम बीति, बेगी चली प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। कहती है हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सीता जी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा। एक कल्प जाना ले कितने साल का होला? 4,32,00,000,000 का एक कल्प होला, और 4,32,000,000 तक कलयुग का आयु है। अब देखो जेकर ऐसन विरह बा कि वो अग्नि बा, श्वास भी अगर लिया था तो वो अग्नि में हवा की तरह काम करता, और शरीर रुई जैसन हो गया बा, वो सब कहाँ बा, ये सब कहा तो बा, लेकिन ऐसे अवस्था में कौन आ रही हुई है? हाँ उन्हें तो खाली यही बात कि इनकर कुछ होगा तो हमार का हुई, इतने में उनका दिमाग खाली नाचत भाई, ये ना बंधु भाई। हाँ अरे वो तो इतना नहीं, अगर कोनो कारण से पति जो है कहीं मर गए बाहोड़ आल बा जो है ना, और पता लग गल कि इन्हें कटवेबे तो जो पोस्टमार्टम करीबे तो 7,00,000 रुपया मिली, तो वो करावता ही। हाँ पिछले साल जो है कि एक लड़का आदमी जो ना ठीक ही है, सावन के पूर्णिमा के एक दिन पहले कुछ अंड बंड आ करके बोल देते ही से दीदी से, तो उसे बार बार कहे कि भाई रुक जा, ये सब मत बोलो, जनरे गुरु सब अपने पेटे बदे करा था तहु दू रोटी बदे, रामायण को हले। तो उसे इतने कहे कि भाई अब पता नहीं का विधाता का व्यवस्था बा कि तू के मना करे पर नहीं मानता है,
पाल जी रहे हैं तो बस इतना कहाल के ऐसा बा कि देख कोनो समस्या आई तो बस याद कर ले है मुक्ति हो जाई कहना रे गुरु देखे भाई बड़ा और ठीक सा मतलब दूसरे दिन गंगा नदी में गलन बरस जी मारे और डूब के वही में खत्म हो गए और फिर ओकर मेरुआ जो इधर उधर कर लगा के केन ले गल हैं मुआ देहन या तो झोंक देहन पानी में हाँ। तो फिर वह जो है कि 7 लाख रुपया बदे फिर चिलवाली है ये सब राजेंद्र पाल नाम रहा ते कहे कि बहुत भाव रहे चाहिए तो देखो ये सच्चे भाव का वर्णन हो है ना तो वास्तव में विरह के बात करो तो ऐसा ये सच्चा विरह के व्यवस्था तब जाके शरीर अपने आप जल जात रहा पति के सीधे लेते जो है गोद में बैठते शरीरिया जल जा वही में सब खत्म चीता तक लगावे की जरूरत नहीं पड़त लेकिन अब वो भाव है कहाँ बा भाव नहीं बा ठीक तो कहते हैं कि प्रभु आप तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी इस प्रकार से कह रहे तो सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना अभरियाए जल राजीव नयना अबचन काय मन मम गति जाही सपने हूँ बूझिए विपति की ताही। तो सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम माने घर प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले कि हे हनुमान जी मन बाणी और शरीर से जिसे मेरी गति हो यानी मेरा आश्रय हो क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। देख ले ए प्रभु श्री राम जी की बाड़ी है और तभी हनुमान जी कहते हैं जो अभी चौपाई कुछ समय पहले इस माध्यम से आया कि कह हनुमंते विपत्ति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन भजन न होई अकेतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु ही जीतियान भी जान की। हनुमान जी कहते हे प्रभु विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन और स्मरण न हो। तो सीधी बात है जब यह शरीर सेवक है इसके श्री रामई जी स्वामी है यह भाव जब कभी टूटेगा नहीं तो विपत्ति के पास ताकत नहीं है कि आपके मानसिक पटल को छू दे या कर कोई भी हो पृथ्वी पर तो करके देख ले बात कर जाए इनका गला काट लिया जाए हो ही नहीं सकता। हाँ ये ना ठीक और कहते हैं राक्षसों की बात कितनी है महाराज अब चला जाए और शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आया जाए ठीक ना इस प्रकार से। हाँ कहे कि प्रभु के नेत्रों में आंसू देख लिए तो और भी जो है तो देखिए सबको सम्मान करना चाहिए नाथ पहला तो यह बात होना चाहिए कि सम्मान सबका करना चाहिए अपमान करने का जगह नहीं है। सम्मान का अर्थ यह भी नहीं है कि सबके हाँ में हाँ मिलाइए वह सम्मान अगर कोई जो है कि तामसिक वृत्ति में फंसा हुआ भी है तो ईश्वर से बस यही भाव होना चाहिए कि प्रभु
इस बेचारे का भी जो है सफाई हो, वही सम्मान हो गया। लेकिन अपमान का जगह हाँ कि तू ऐसे तो ऐसे ऐसे तू ऐसे तो तू ऐसे करवा तो फिर वो जो ना मोह व्याप हो जाए। देखिए प्रभु क्या कहते हैं कि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर अमुनि तनु धारी, नहीं को सुर नर। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से देखिए क्या कहते हैं कि हे हनुमान जी सुने, आपके समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य और ऋषि मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं। अप्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न। कहते हैं कि मैं आपका प्रत्युपकार यानी बदले में उपकार क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने यानी आपके सामने नहीं हो पा रहा। अब यह है बात सम्मान की। अब जो है कि ये सब जो पाखंडी लोग हैं कहते हैं राम की कला भगवान देखे हनुमान जी के भी उपकार का बदला नहीं कर सके, अपने मुंह से कहे मैं। ये सब जो है दम्भी लोग इस बाड़ी का जो है फायदा उठाते, तो कभी जो है गलत आदमी के बंधु भाई का अतनी गा के लगे पड़े तो नींद आवे लगल, हमेशा देखल कर ले सबके ठीक न के समझो। कहते हैं कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे करी विचार मन माही, सुनु सुत तो ही। कहते है पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उरीण नहीं हो सकता। देखो यह सब सम्मान का भाव हो तो, और पुनि पुनि कपि ही चितव सुर त्राता, लोचन नीरे पुलक अति गाता, लोचन नीरे। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित। अब हनुमान जी अब देखिए सब ताकत रामे जी की है, किसी का अपना कुछ है नहीं। और हनुमान जी हक्का बक्का कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं, ये न तो सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसी हनुमान, अचरण परे उप्रामा कुले त्राही त्राही भगवन। अब प्रभु की बारी सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर चरणों पर जाकर गिर जाते हैं, यह कहते हुए कि हे भगवान मेरी रक्षा करिए रक्षा करिए। ठीक ना, क्योंकि सब प्रभुता तो उन्हीं का है, इसलिए कभी किसी का सम्मान किया जाए तो सम्मान में सम्मान ही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के अहंकारी का अगर सम्मान करना शुरू करेंगे ना तो उसका अहंकार और बढ़ता ही जाएगा। हाँ, इसलिए अंदर में तो भाव रखिए लेकिन उनको जो है कि नहीं कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन दिखावटी अगर सम्मान करना शुरू करेंगे तो आप उनका अहंकार बढ़ा रहे हैं, इसलिए ऐसा कहने की आवश्यकता। तो
हनुमान जी करें कि प्रभु ये कह क्या रहे हैं कि सुत तो ही उरिन मैं नाही, ये क्या कह रहे हैं, ठीक ना। तो यह भाव है। तो बारे बारे प्रभु चहई उठावा, अप्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु हनुमान जी को नाथ भैया बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम में मग्न है, उनको चरण छोड़ने का कहीं मन ही नहीं कर रहा है। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, असुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु अपने कर कमलों को हनुमान जी के सिर पे बार बार सहला रहे हैं, और शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती उस आनंद को सोच करके मैं बिल्कुल प्रेम में मग्न हो रहा हूँ कि वाह रे हनुमान जी क्या जो है। हाँ, अब सोचिए कि श्री राम जी जिसके सर पे हाथ रख के सहला रहे हो ना, अब देख ले इतना बड़ा काम हो जाता, लेकिन कब हुई, जब उनके चरण के हृदय में बैठा के मन बाड़ी कर्म से समर्पित हो जीवे, तो देखा वही में एकदम आनंद के एकदम सागर में डूब जीवे कि उतने से, और भक्ति पूरा बढ़ल तो आ जाइए उन तो एकदम बिल्कुल बहन एक से बैठल बहन। खोला जो है बैराग और ज्ञान के जो है नेत्र से उनके अनुभव कर जा सकल भाई, ठीक। तो सावधान मने करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, अकपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, अकर गही परम निकट बैठावा। शंकर जी मग्न हो गए तो कथा कौन सुनाएगा, शंकर जी तो मग्न हो गए, तो फिर मन को सावधान करके, मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने, और क्या होता है कि फिर श्री राम जी हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं और हाथ पकड़कर अत्यंत नजदीक बैठाते हैं। कल न गुलाब भैया बैठा बैठो, ठीक ना, ये स्वभाव वहां से हो। कहे कि मन में कौनो अगर मैल न रहे तब बराबर बैठे के व्यवस्था, और बैठा लेते हैं और कहते हैं कि कहू कपि रावण पालित लंका, अके ही विधि दहे दुर्गति बंका, अब प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, अब बोला बचन दिगत अभिमाना। बैठा करके बंधु भाई बढ़िया से पूछत है राम जी कि हनुमान जी बतावे लंका में तो इतना सुरक्षा व्यवस्था है, तू कैसे जो है पूरा किला के जो नहीं ले। मैंने वही बात के ए भाषा में, हाँ। तो हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जाने और अभिमान रहित होकर के वचन बोले, माने अभी हम हाँ, तो कुछ बा नहीं, सेवक के अहंकार नहीं हो जाए, और कहते हैं कि शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, अनाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, अनाथन कछु मोरी प्रभुताई। देखिए कितना जो है, आज लोग तनी सकुनो काम होगा देखे, अरे बहुत लोग लगा रहे हम महादेव बाजी की है, घमंड हो जाए।
और हनुमान जी क्या कहता है सफा सफा बात कि महाराज बंदर का तो बस इतना पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता, आज भी देखत होवे नहीं ऐसे ही पत्तवा पे तक चुनगुनिया आके परिया सुपरिया चला जाइए, आदमी काम न कर पी है ना। क्या महाराज यह तो पुरुषार्थ बा कि इस डाली से उस डाली पर चले जाते हैं, वैसे ही समुद्र ला कर गए और सोने का लंका जला करके राक्षस लोगन के मार के अशोक बन के उजाड़ दिया गा। और हे प्रभु श्री राम जी यह सब आप ही का प्रताप है नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है महाराज, ऐसे ठीक ना। तो यह भाव होना चाहिए कितना बड़ा बड़ा से काम हो जाए ये सब भगवान की ही प्रभुता है, यह भाव रहेगा तब छल नहीं छुएगा, और जब छल नहीं छुएगा तभी जो है कि अहंकार की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर छल छू दिया तो अहंकार आ जाएगा। इसे निर्मल मन जने सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तो नहीं करेगी भाई, तो नहीं करेंगे कहा जो है कि ड्रामा यही ना राजा राम भाई तब तो न हुई ना। अब महाराज तुम ही पाओ वाले अब तो ही रामायण खूब पढ़े है तुम महाराज ये ने वो भयंकर राजा राम भाई। तो ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, समझ ले तनको कभी मत समझे मन में कि कोनो खिंचाई होता हो, यह अनुकूलता हो। पढ़े है सबसे ज्यादा ये से कहा था कि ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, अजा पर तुम्हें अनुकूल, अतव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। कहते हैं प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आपके प्रभाव से रुई जो रुई जले में कितना समय लगी, लेकिन आपका प्रभाव हो महाराज तो बड़वा नल की अग्नि को छोटा सा रुई भी जला सकती, रुई बड़वा नल के बुझा दी। बड़वा नल जानल है आ? नहीं समुद्र के आग हो, समुद्र के आग बड़वा नल, और वही जो है अग्नि का मुख्य स्रोत है आपके पूरे ब्रह्मांड में, और इस समय उनमें विकृति आ गया बा, वही विकृति के कारण कामाग्नि इस समय प्रचंड रूप से धरती पर व्याप्त बा। और यहाँ से जब गुरु कहें ब्रह्मचर्य के पालन करो तो कहीं पागल है ये ना। हाँ तो कहते हैं कि वह रुई भी जो है बड़वा नल की अग्नि को बुझा सकती, ये आपका प्रभाव है, यानी कि असंभव कार्य भी संभव हो सकता ऐसे। तो नाथ भगति अति सुखदायनी, अदेहु कृपा करी अन पायनी। और महाराज आप ऐसे कैसे कर रहे हैं कि सुनु सुत तो ही उड़ मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी सब पाखंडियन जो ऐसा ऐसा कह के न सब भक्तन के भटकाए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं कि हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। और जो कि अनपायनी है वही तो असंभव बन है। ये समाज में देखो कहिला यह न होला भाई कि एको क्षण बदे ये भाव टूटे न कि शरीर सेवक हो और रामा जी एकर स्वामी है,
ये ने और जहाँ जो है क्यों नसिया कैस बाहू वहाँ ही बात टूटा तोड़े बदे बहुत अधिक व्यवस्था बा और वह टूटे के न चाहिए तो यही से ही असंभव चीज बा यो असंभव चीज हो लेकिन देखा प्रभु की कृपा बा तो आप लोग एक संभव कर ले बे यह न जब एक बार चित्त में बैठा लेला पक्का पक्का कि संसार खाली भगवान का लीला स्थली हो यह न तो यह मिथ्या है न तो सत्य है यह मात्र लीला स्थली है सत्य भी तो इसी के अंदर बैठे हुए हैं तो इसको मिथ्या कैसे कह सकते हैं। रामनाथ भैया यही विनय पत्रिका में तुलसीदास जी बता दिए है कि मिथ्या तो शरीरिया है न लेकिन लीला स्थली भगवान का लीला है ईश्वर का अस्तित्व वो तो सत्य है न तो सत्य के ले करके बंधु भाई ऐसे कह कर ऐसे कर रहा तो समझ जाएगा कि चोरवा पकड़ रहा ठीक न तो वही बात है ठीक। तो क्या हो रहा है तो वही बता रहे हैं हनुमान जी कि प्रभु वही जो है स्वाभाविक निष्काम निश्चल भक्ति कृपा करके नाथ प्रदान कीजिए और मेरे हृदय में आकर बस जाइए। तो तुसे अब देखा जब यहाँ आल रहा है तो बस वह अब रख ले अब कहीं तनको जो है तस से मस हुआ की जरूरत। तो सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी एव मस्तु तब कहेउ भवानी। तब शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हनुमान जी की सरल छल रहित बाणी सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान जी ऐसा ही हो एव मस्तु माने ऐसा ही। तो उमर समझ गए यह राम जी का स्वभाव हो। तो शंकर जी भाग कहत है कि उमा राम सुभाव जे ही जाना अताहि भजनु तजी भावन आना। अयह संवाद समझ में आयल आ गयल बंधु भाई समझ में आ गयल देख ले पक्का पक्का बात बानाथ कि उमा राम सुभाऊ जे ही जाना ताहि भजनु तजी भावन आना। अयह संवाद जासूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह शंकर जी की बाड़ी है कहते हैं कि हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। तो यह सब जो कर्म है सब भगवान का भजन ही है इसमें ममता का जगह नहीं है नहीं है। और यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में बंधु भाई आ गया वह श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेगा यह बिल्कुल निश्चित सिद्धांत। अब यदि ये बात अगर समझ में आएगा तो निश्चित है इसको हृदय में बैठा लीजिए और भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। यहाँ भी एक स्टेशन हो ये उठना भी लोग उतर करके भगवान की भक्ति में लीन हो सका ना कोई जरूरत ना ही एकरे आगे ठीक न। एमे बहुत स्टेशन एमे आप समझ ले कि हजारों भागवत गीता बैठा बा कहे कि भागवत गीता ई एकरे त्रेता के बाद वाले युग का व्यवस्था हो ओकरे एक युग पहले का व्यवस्था है ना। और ये काल के अनुसार रामनाथ भैया काल के अनुसार मिलावट बढ़ते जाला और कलयुग तो बिल्कुल मल मलिन मतलब कि बिल्कुल मल का मूल है जो है ये ना। हाँ देखे ये देखा समझे के बाद बा
कि प्रभु की यह व्यवस्था है कि उन्हें एकदम निश्चल व्यवस्था चाहिए। तो सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा अजय जय जय कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बोलावा कहा चले करे करहु बनावा। प्रभु की बाणी सुनकर बानर लोग जो वहां पर हैं जब यह सुने तो वो लोग भी तो सुने ना, वो भी देखे तो उनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई क्योंकि यह निश्चित है। तब बानर लोग कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा जो है आवाज करने लगे। कहे कि यही व्यवस्था है ना, तो ठीक बा, अखिया से नहीं दिखाता कनवा से तो सुनाता हूँ समझातो बा, अब सही बात बाकी ऐसा भगवान जो उनकी ए मन के कारण कितना शरीर दे के जो है कुलो नहीं तो लेके चला बा ने, और जो इतना बड़ा जो है कृपालु हो उनकर सेवा न हो खाली यही जीभ नाक आँख कान और चमड़ा कर कब तक आखिर के कोनो अंत होई कि ना होई, कब तक एक चक्कर में पड़ा रहे। ठीक है देखे अब मोहन भाई तो मोहन भाई बन गई हैं, सीधी सीधी बात बा, मोहन जी माने कृष्ण जी और कृष्ण जन्माष्टमी हो आज ने, हाँ तो वो रहन योगी राज और समझ ले रामनाथ भाई। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए आप रहले कि नहीं उस समय शायद आप रहले ओमकार भाई कहले नहीं इनका बात तनी सुन ले हमके कहे सुन ले एक के धरती पर व्यक्ति रही बा हाँ देवेंद्र भाई कि जेके रामचरित मानस पुस्तक छुए का अधिकार हो कहे कि निज मन मुकुर सुधार ये नियम बा। वैसे ही भैया प्रेरणा देवे बदे थोड़ा भाव बा, अब जो है भगवान का जब प्रभु कृष्ण जी के रूप में अवतार हुआ है तो ये है योगियों के राजा माने योगी राज। ठीक, तो जो भागवत गीता का पाठ करने के लिए बैठे उसको पूरा का पूरा योगी होना चाहिए, भोगी का जगह नहीं, नहीं है। अगर आप वो तो योगियों के राजा है ना, तो अगर योगी बनेंगे तब उनके सेवक बनने के लायक योगी माने यह शरीर सेवक है कृष्ण ही जी मात्र स्वामी, यह भाव रहे तब तो भागवत गीता का पाठ करिए, नहीं तो वही रक्षसवन के तरह भागवत गीता का पाठ करवा बाद में जेल में जाइए जूसे क्या बने आपके भैया। ऐसे ही प्रेरणा जो है हुआ के चाहिए कि ना चाहिए, भगवान जी योगी का राजा और पता चला अपने भोगी और बात सुनी गए बच्चा बच्चा वो मुंह बनावा की जरूरत कहे कि वाक पटुता में लोग फंसा ले ले। धर्म धुरंधर राजा प्रताप भानु जब बाड़ी में फंस सकल है, धर्म धुरंधर भगवान के बाऊ दशरथ जी जब मेरारू के बस में होकर देखो ऐसा होगा बाड़ी के बस में वो बन न आज कुल मेरारू से रजवान छेकल बहन और तब जो कहिए नहीं हम बिल्कुल सही राजनीति बा हमारे क्या बात है सही सब बा। तो ठीक, तो वही कह रहे हैं कि तब श्री राम जी कपिराज यानी बंदरों के राजा सुग्रीव जी को बुलवाए और कहे कि अब चलने की तैयारी किया जाए, यह ना पता लग गया यह मर्यादा बा। ठीक ना, तो अब विलंब के ही कारण कीजे तुरत कपिने कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी अनभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण से किया जाए अब पता लग गया, लौकिक दृष्टि से पता लग गया, अलौकिक में तो उन्हें सब पता है बा लेकिन लौकिक दृष्टि में पता लग गया। तो कहते हैं अब विलंब किस कारण से किया जाए,
अब बानरों को तुरंत आज्ञा दो सुग्रीव। राम जी कह रहे हैं कि अब जो है हाँ, और भगवान की यह लीला माने रावण वध की तैयारी लीला तो यह माने तो यह जन मोह रूपी रावण संसार जगत के मनुष्य के मन के जकड़ ले बा, बस वही मोह रूपी रावण पर विजय प्राप्त हेतु कहे कि उसे जन जन के जो है मानस पटल ग्रसित होगा बने। रामनाथ भैया कह लें कि यह लोग केसला बहुत तगड़ा होगा बा, वही में सब फंस जाते हैं, बड़ा बड़ा ऊपर जाके लोग ऐसे ही भैया खिसक जाते हैं जी। तो वही कह रहे हैं कि यह तैयारी देखकर देवता लोग बहुत से अपना आकाश से फूल बरसाते हुए हर्षित हो रहे हैं और फूल बरसाकर अपने अपने लोक को चले गए। तब यह भाव रख ले अब यहाँ से शुरुआत हुई सुने सुने बस यह सुन ले उसके बाद में अब यहाँ विराम है बा। तो कपिपति बेगी बोलाए आए जूथप जू नाना बरन यतुल बल बानर भालू बरूत। जब श्री राम जी कहते हैं कि भाई अब तैयारी किया जाए तब बानर राज सुग्रीव जी शीघ्र ही सभी बानरों को बुलाए, सेनापतियों के समूह सब आ गए, बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के और उनमें अतुलनीय बल है, ऐसे समूहों को लेकर सेनापति लोग आ गए। अब होगी तैयारी ठीक, अब दिन भर आकर के तैयारी तो उसे कर लें, और शाम के जो ना इकरे आगे की कथा हुई और इसी बाड़ी के साथ बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामनाथ भाई सहित सभी भक्तों की जय, सब सियावर रामचंद्र की जय, अहोरा।